भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है और राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, पदाधिकारियों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को उस दिन अपनी पूछताछ के दौरान एक जुलूस निकालने के लिए दिल्ली बुलाया है और ये सभी नेता ईडी के दफ्तर के बाहर सत्याग्रह भी करेंगे। यानी राहुल गांधी ना हुए, महात्मा गांधी हो गए। ये सब करके गांधी परिवार देश की जांच एजेंसियों को और पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता है कि भारत के कानून उन पर लागू नहीं होते। दूसरी तरफ गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने भी वर्ष 2010 में गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक इसी तरह पूछताछ के लिए बुलाया था और गांधीनगर में हुई इस पूछताछ के लिए नरेंद्र मोदी उस समय बिल्कुल अकेले गए थे। मोदी ने इसे राजनीतिक उत्सव नहीं बनाया और चुपचाप संवैधानिक तरीके से उस पूछताछ को होने दिया। ये है दो नेताओं का फर्क।